अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलजिलान आरिफ और आप देख रहे हैं TRP 360। नाज़रीन, इन दिनों पीका ऑर्डिनेंस का हर तरफ शोर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIU को पीका ऑर्डिनेंस सेक्शन 10 के तहत कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो लीक हो गई है, जिसमें वो साबिक सदर आसिफ जरदारी के हवाले से नाजेबा जबान इस्तेमाल करती पाई गई हैं। आज इन दोनों मौजूदात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शब्बीर हुसैन, को प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान ख़ान ने अपने खिताब में कहा कि FIU के पास साइबर क्राइम के हवाले से 96,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें पेंडिंग पे हैं, जबकि ख़ुद इमरान खान का नजम सेठी के ख़िलाफ़ केस 3 साल से लटका हुआ है, तो क्या ये इमरान खान की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं ये क्या दुरुस्त हैं, और इस हवाले का मतलब इस सारे मसले का पूरा हल क्या है? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने जो अपनी तकरीर में कल फरमाया, मेरे हिसाब से वो काफ़ी हद तक दुरुस्त बात है। मिसाल के तौर पे कि आप ट्विटर पर हों, फेसबुक पर हों, इंस्टाग्राम पर हों, आप अपनी कोई पिक्चर पोस्ट करें, आप अपना कोई कमेंट डालें जिसमें आप अपना नज़रिया पेश कर रहे हों, या आपकी कोई इमेज हो जिसमें आप जिस तरह के भी सूरत हाल में, लिबास में, जो अप्रोप्रिएट आप समझती हों या समझते हों वो डालें, और उसके ऊपर आपको नाज़ेबा अल्फाज से नवाज दिया जाए, या आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया जाए कि आप फलाने कबील से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप कुछ अजीब व गरीब किस्म की कैफियत के मालिक इंसान हैं, तो ज़ाहिर है कि आप चाहेंगे कि कोई एक ऐसा फोरम हो जहाँ पर वो जा कर के अपने ग्रीवेंस जो है वो बता सकें लोगों को, और अपनी जो तौहीन हुई है उसका कोई सद्देबाप कर सकें। अब बिल्कुल सही बात है, कानून मौजूद है इस मुल्क के अंदर, लेकिन कानून के मौजूद होते हुए भी हमने ये देखा है कि 96,000 केसेस, जैसा कि कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा, ये भी मौजूद हैं FIU के पास, जिसमें से सिर्फ 38 हल हो पाएँ। अब आप सोचें कि अगर परसेंटेज निकालेंगी आप इसकी, तो ये 0.000% बनेगा और कुछ 1 या 2% बन जाएगा। तो अगर ये सूरत हाल है अपने ग्रीवेंसेस को दूर कराने के लिए, और इतनी बेबस है इस कानून के होते हुए भी FIU, और वज़ीर आज़म ख़ुद जब ये कहे कि उसकी अपनी पटिशन जो है इस सिलसिले में, उसकी अपनी शिकायत जो है वो 3 साल से लटकी हुई है, तो अब आप समझ लें कि ये कानून कितना मौसर होगा और ये कितनी जल्दी इंसाफ दे रहा होगा। ठीक है, पीका का लॉ जो है वो बहुत सारे लोगों को ड्रैकोनियन लग रहा है, बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमों को ड्रैकोनियन लग रहा है, तो उस पर बात की जा सकती है, आउटराइटली रिजेक्ट करना तो नहीं बनता। हाँ, ज़रूर इसके ऊपर शिकायत हो सकती हैं आपकी, मुख्तलिफ बॉडीज़ की शिकायत हो सकती है, मैं भी अगर उसको पढ़ता हूँ तो उसमें 2-3 चीज़ें मुझे भी काबिल एतराज़ नज़र आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस कानून को सिरे से बिल्कुल मुस्तरद ही कर दूँ। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की के ख़िलाफ़ केस की समाअत में अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को किसी ने दुरुस्त गाइड नहीं किया, उनको ये नहीं पता कि पीका के अलावा भी हत्तक इज़्ज़त का एक नया कानून मौजूद है। तो एक सर ये बताएगा कि एक कानून की मौजूदगी में हम देखते हैं कि उन्होंने बज़रिए ऑर्डिनेंस को एक नया कानून बनाया है, तो इसकी क्या ज़रूरत मान पड़ी थी? देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, बिल्कुल कानून मौजूद है। मैंने अपने पिछले जवाब में, आप जैसा कि आपको पता है, ज़िक्र किया कि एक कानून बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ये कानून जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, ये मौसर अपना असर नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर ये असर दिखा रहा होता तो वो जो 96,000 शिकायात FIU के पास मौजूद हैं वो उसका कोई हल निकल रहा होता, वो तेज़ी से उनके ऊपर सुनवाई हो रही होती, लोगों को इंसाफ मिल रहा होता, लेकिन 38 केस डिसाइड हुए हैं, बाकी सारे केसेस लेके बैठे हुए हैं। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के, जी वो मौजूद है कानून, लेकिन ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं था। वज़ीर आज़म साहब ने कल अपनी तकरीर में ख़ुद कहा कि भाई मुझे पता है ये है, लेकिन इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, इसलिए हम पीका लेकर के आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये पीका का जो लॉ है, ये सबों को पता है कि ये 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लाई थी, इसमें तो अब तरमीम की जा रही है, अमेंडमेंट्स की जा रही हैं।
ये असल में लॉ लाया गया था नून लीग की तरफ से 2016 में, जिस उसकी उस वक्त भी उस वक्त की हिज़्ब इख्तलाफ जो कि तहरीक इंसाफ थी और पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने मुखालफत की थी और यही सारी सहाफ़ती तंजीमें थीं जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन मसला ये है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो कुछ और कह रहे होते हैं, जब आप हुकूमत से बाहर चले जाते हैं तो आप कुछ और कह रहे होते हैं। इशू ये नहीं है कि लॉ है या नहीं है, इशू ये है कि लॉ डिलीवर कर रहा है या नहीं है। जब तक लॉ डिलीवर नहीं करेगा, मेरे पास गाड़ी है लेकिन वो गाड़ी चलती नहीं है, जब वो चलती नहीं है तो उस गाड़ी का मुझे फ़ायदा क्या है। इसी तरह से ये कानून है, ये कानून डिलीवर नहीं कर रहा, शिकायत के अंबार लगे जा रहे हैं। एक वक्त था, मैं आपको बताऊं कि मुल्क में दहशतगर्दी बड़ी ज़ोरों पर थी, ये बेनज़ीर भुट्टो का वक्त था, 1996 में उनकी हुकूमत थी, उन्होंने कराची में एक ऑपरेशन करने का सोचा और उसके बाद जब लोगों को गिरफ़्तार किया तो जब वो गिरफ़्तार करके चालान कटता था और अदालतों में लेके जाते थे, नॉर्मल अदालतें थी उस वक्त, तो वो लेके जाते थे तो पता चलता था जी जमानत हो गए, वो चले गए, सबूत नहीं था। तो उन्होंने एक स्पेशल लॉ फ्रेम किया जिसको आज के दौर में आम फहम तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी का कानून कहा जाता है, एंटी टेरर एक्ट। तो वो कानून आया, उसके तहत फिर तेज़ी से ट्रायल्स होना शुरू हुए, लोगों को सजाएं होना शुरू हुई। ये बिल्कुल इसी तरह का एक कानून है कि भाई लोगों की दुर्गत बनाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, तो इसको रोकने के लिए कोई स्ट्रिंजेंट लॉ, कोई सख्त कानून लाना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली वही मिसाल है। अब इसकी मुखालफत जितनी कर लें, लेकिन इसको आना तो है, इस शक्ल में नहीं आएगा, इससे थोड़े से डाइल्यूटेड शक्ल में आएगा, उसके लिए मुज़ाकरात करने ज़रूरी हैं। हुकूमत तैयार है, दूसरी तरफ के फरीकैन भी बैठें और इसको ठीक करें। ठीक है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की आए दिन ऑडियो लीक्स होती रहती है, उनकी एक और ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो साबिक सदर आसिफ जरदारी के हवाले से नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करती पाई गई हैं। तो क्या एक सियासतदान को ये ज़ेब देता है कि वो भले ही आपस में बात कर रहे हो लेकिन किसी दूसरे के लिए इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मरियम नवाज़ साहिबा की एक और ऑडियो लीक हो गई है और अब वो जो हैं इसके बारे में क्या कहती हैं, इससे पहले दो ऑडियो लीक हुई थी, उनसे जब सहाफ़ियों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने उसको एडमिट किया था कि जी बिल्कुल मेरी ऑडियो है और मैं, और आप अगर रिकॉल करें तो वो ऑडियोज़ जो थी वो सहाफ़ियों को ब्राइब करने के हवाले से, उनको टोकरे पहुँचाने के हवाले से, उन ऑडियोज़ के बाद कुछ सहाफ़ियों का नाम ही टोकरा सहाफ़ी रख दिया गया है, ये भी एक डायलेमा है। तो खैर ये हुआ था, अब ये नई ऑडियो है, इसके अंदर उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सख्त अलकाबात दिए हैं सदर जरदारी साहब को। जरदारी साहब जो भी कह लें, वो साबिक सदर हैं पाकिस्तान के और वो एक पार्टी के सरबरा हैं, उनकी पार्टी एक सूबे में इख्तदार में है, रोज़ाना वो खाने खाते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ और मरियम नवाज़ साहिबा के साथ। तो बेसिकली ये कि मरियम नवाज़ साहिबा को ये अल्फाज बताने पड़ेंगे कि उन्होंने अदा किए या नहीं किए, एक बात, और अगर किए हैं तो ये बड़ी ही संगीन बात है और बड़ी ही दुख की बात है कि इस तरह के अल्फाज कोई खातून किसी के लिए भी इस्तेमाल करे। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये कि हज़्ब इख्तलाफ की तनकीद बड़ी होती है इमरान ख़ान साहब के ऊपर कि वो लोगों को चोर, डाकू, डकैत कहते रहते हैं, जो कि वो भी कंडेमनेबल बात है, उसको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो करते हैं कैमरे के सामने और ये उनकी सियासी बयानी का हिस्सा है, वो हर किसी को चोर और डकैत कह देते हैं, लेकिन ये जलील का लफ्ज़ कहना और वो भी पीछे कहना, किसी के मुंह पे ना कहना, ये बड़ी ही अजीब बात है और मरियम नवाज साहिबा को यकीनन इसकी जवाब देना पड़ेगा। और एक बात और मैं कहता चलूं कि अक्सर वो कहती थी, जब से वो बेचारे मरहूम जज साहब की वीडियो लीक हुई थी, कि हमारे पास मजीद वीडियोज़ हैं, हमारे पास मजीद ऑडियोज़ हैं, तो मैं अज़राए मजाक कह दूं कि मुझे लगता है कि ये सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ वही हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने शायद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रखी थी और अब वो लीक हो रही हैं किसी ना किसी ज़रिए से। अच्छा सर, इसके अलावा ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ की जो एक के बाद एक ऑडियो लीक हो रही हैं, तो क्या वो पीका ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हुए FIA के पास जाके अपना केस दर्ज करवा सकती हैं? क्योंकि किसी की निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना और उसको लीक कर देना, ये भी तो एक साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। बड़ा वैलिड सवाल है आपका, ये बिल्कुल उनको करना चाहिए, मेरा मशवरा तो उनको होगा कि वो पहली फुर्सत में FIA पहुंच जाएं साइबर क्राइम, क्योंकि ये एक नहीं, दो नहीं, तीसरी मर्तबा उनके साथ ये वारदात हो गई है, तो वो जाएं और बताएं कि भाई उनकी निजी गुफ्तगू कोई रिकॉर्ड करता है
और उसे फिर सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे लीक किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल उनको करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसका सहारा लेंगी। फिर हम देखते हैं कि वो शिकायत जो है वो कहीं वो 96,000 शिकायतों का हिस्सा उस अंबार में ना शामिल हो जाए और वो वहीं की वहीं रह जाए। मैं एक आपको मिसाल दूं, अभी थोड़े दिन पहले हमारी एक साथी एंकर हैं शिफा यूसुफ़ई, हम न्यूज़ के ऊपर मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं, उनके बारे में असद तूर साहब, वो भी हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने एक वीलॉग में कह दिया कि ये मीडिया में इस तरह आईं क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों के साथ गाड़ी में सवार रहती थी और उनके साथ घूमती फिरती थी। एक तरह से वो ये इशारा कर रहे थे कि उन्होंने कोई फ़ायदा उठाया इस तरह से उनको खुश करके, उन लोगों को, बासर लोगों को। तो वो शिकायत भी आज तक वहीं की वहीं फंसी हुई है। वो खातून हर थोड़े दिनों के बाद सोशल मीडिया पे आती हैं, जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है वो सोशल मीडिया पे सामने आती हैं, वो कहती हैं कि आज तक मेरे मामलात जो हैं वो हल नहीं हो पाए, आज तक मैं भी वो हूँ। तो बेसिकली अगर मरियम नवाज़ साहिबा, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो ये अपनी शिकायत लेके जाएंगी FIA के पास, तो ये बहुत बड़ी खबर बनेगी, इसकी एक वैल्यू होगी, लोग दुनिया में मीडिया में ये बात की जाएगी और ये बड़ा ही जेन्युइन केस होगा। तो मेरा तो मशवरा यही होगा मरियम नवाज़ साहिबा को कि आज इसी पहर पहुँच जाएँ और जा कर के वो ये काम करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है मरियम नवाज़ की ऑडियो कौन लीक करवा रहा है, या तो हुकूमत है या कौन से इदारा इसके पीछे है? क्योंकि हम देखते हैं कि इस ऑडियो जब लीक हुई है तो इसकी टाइमिंग्स तो ये बता रही है कि जो ऑडियो लीक कर रहे हैं उनको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो बढ़ती हुई कुर्बत है ये कुछ खास पसंद नहीं आ रही। अच्छा, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जी ये ऑडियो कौन लीक करा रहा है। देखें, ऑडियो लीक तो जब हो रही है वो हो रही है, ये जिस वक्त रिकॉर्ड हो रही थी ना, मज़े की बात ये है कि ये इस वाली वीडियो, इस ऑडियो के बारे में तो मैं वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन पिछली दो ऑडियोज़ जो लीक हुई हैं वो हुई हैं नवाज़ शरीफ साहब के और नून लीग के दौर की। तो उस वक्त हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब थे, IB उनके अंडर थी, ISI भी उनको जवाबदेह थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी उनको जवाबदेह थी, FIA भी उनको जवाबदेह थी, वो वज़ीर आज़म थे मुल्क के। तो उस वक्त वो ऑडियोस मरियम नवाज़ साहिबा की कौन रिकॉर्ड कर रहा था, ये तो फिर मरियम नवाज़ साहिबा जा करके अपने वालिद ग्रामी से पूछ लें कि आप वज़ीर आज़म होते थे तो मेरी ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा था। लीक तो अब हो रही है, चलें अब तो लीक आप कह दें कि PTI की हुकूमत कर रही है ये लीक, लेकिन उस वक्त रिकॉर्ड कौन कर रहा था, ये सवाल है करने वाला कि भाई रिकॉर्ड करने वाले को पकड़ो, जब रिकॉर्ड होगी तो लीक होगी। यहाँ रिकॉर्ड करने वाले को पकड़ा नहीं जा रहा, वहाँ अभी हम लीक करने वाले के पीछे पड़ गए कि ये लीक कर कौन रहा है। दूसरी बात ये कि अगर ये लीक हो भी रही है और ये सब कुछ हो रहा है तो मरियम नवाज़ साहिबा, जैसा कि आपने पिछले सवाल में, मरियम नवाज़ साहिबा के पास एक फोरम है जिसके बारे में आज खुद अथर मिनल्ला साहब ने कह दिया है कि भाई वहाँ चले जाएँ और वो कानून है उसके तहत रास्ता लें। तो अगर वो वाकई इस कानून पे इतना कॉन्फिडेंस है और पीका लॉ की मुखालफत करती है नून लीग, तो नून लीग को चाहिए कि पहली फुर्सत में मरियम नवाज़ साहिबा की इस ऑडियो का मामला लेकर के वहाँ पहुँच जाए। मैं तो नहीं बता सकता कि ये कौन कर रहा है लीग, लेकिन वो जब वो इंक्वायरी होगी तो यकीनन वहाँ से पता चलेगा कि ये ऑडियो कहाँ से लीक हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। उम्मीद है कि इन सारी तमाम गुफ्तगू से हमारे जो देखने वाले उनके काफ़ी सारे सवालात क्लियर हो गए होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, अल्लाह ने के बाद।